अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर विद वासिक। आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें जिनको 585 वाट्स बायफेशियल प्लेट्स यूज़ की हैं, तीन अदद प्लेट्स ये यूज़ की गई हैं, जिसमें हमने यहाँ पे सेटअप एक लगाया था शॉप के अंदर, नेटवर्क 3 किलोवाट का 2024 मॉडल है। ये आप देख सकते हैं कि ये लगाया गया है, ये एक बेसिकली IT स्टोर है, वहाँ पे ये सेटअप किया गया है। तो काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि 3 किलोवाट पे ये नाइट्रोस काम करेगा, 3 प्लेटों पे ये 3 किलोवाट नाइट्रोस काम करेगा या नहीं करेगा। ये आपके सामने है, ये इस तरह 3 प्लेट्स जो है शेड के शेप में लगाई गई हैं और ये एक नाइट्रोस का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी मज़ीद डिटेल प्राइस वगैरह आप सब शेयर करते हैं। दोस्तों काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, ये न्यू चैनल है, चैनल को मोनिटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड हैं और जो है आपकी सब्सक्रिप्शन कमेंट और लाइक जो है वो रिक्वायर्ड है। तो काइंडली सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी काइंडली प्रेस कर दीजिएगा जी। ये एक सेटअप लगाया गया था शॉप के अंदर, जो लोड है वो एक 1.5 टन का AC है, फैंस हैं और LED लाइट्स हैं जो कि रात के टाइम पे तो ज़्यादा यूज़ होती हैं, दिन के टाइम पे भी यूज़ होती हैं। तो बेसिकली ये इन्वर्टर जो है 2,45,000 रुपये का हैदराबाद से लिया गया था और इसके साथ ये ब्रेकर्स वगैरह लगाए गए हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये भी पूरा यूँ समझ लें कि रफली कास्ट इस DB बॉक्स की जो है 15,000 से 20,000 रुपये हुई थी और इसके साथ जो वायरिंग वगैरह है 160 रुपये फुट की 6 mm वायर है, उसके साथ बैटरी वायर है 300 रुपये फुट जो है वो 25 mm की बैटरी वायर है। बैटरी का भी आपको लुक दिखाते हैं और वो किस तरह सेटअप हुआ है। इंस्टॉलर ने 5,000 रुपये लिए हैं सिर्फ सेटअप करने के, उसकी सारी चार्जेस वगैरह आपसे शेयर करते हैं। इस तरह ये है और ये शॉप पे 3 प्लेट्स पे इसलिए लगाया गया था क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं कि दूसरी प्लेट्स लगाने की गुंजाइश नहीं थी और जो है मजीद बराबर में दूसरी शॉप से प्लाजा है, तो इस वजह से ये सेटअप इस तरह लगाया गया था। बेसिकली इस शॉप का जैसे बिल था, अगर ऑन एवरेज 30,000 रुपये आ रहा था तो ये अब शेयरिंग बेसिस पे सिस्टम काम करेगा तो वो बिल रिड्यूस होके 15,000 रुपये पे आ जाएगा। इस शॉप में AC भी चलता है और दूसरा लोड भी चल रहा होता है तो वो बेसिकली जो है शेयरिंग इस पे बेसिस पे चलेगा। AC भी काम करेगा ऑन हार्ड लोड और स्मार्ट लोड पे आपके फैंस वगैरह सब काम करेंगे। मज़ीद आपको इसके डिस्प्ले भी दिखाते हैं कि पैनल पे इस वक्त क्या पोजीशन है, डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या पोजीशन है जी। दोस्तों जिस तरह आप देख सक रहे होंगे कि इस तरह इस वक्त जो है वो दोपहर का जो है वो 1:30 हो रहा है और प्लेट से जो प्रोडक्शन आ रही है तकरीबन 400 वाट की आ रही है और इसके अलावा जो स्मार्टली ये काम कर रहा है। बैटरी इस वक्त इसने 100% चार्ज की हुई है और 230 के करीब जो है वो इस वक्त शॉप पे यूज़ हो रहा है। इस वक्त जो है लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से ये वापडा बंद पड़ी हुई है और AC भी बंद पड़ा हुआ है। जब AC ऑन होता है तो ये शेयरिंग पे चला जाता है। स्क्रीन प्लेट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन इसकी जो पीक आवर्स में आ रही है वो तकरीबन 1100 वाट की आ रही है, जबकि AC ऑन होता है तो वो तकरीबन 1700-1800 वाट पे ऑन होता है, उसके बाद वो रिड्यूस होके कम हो जाता है जो वापडा शेयरिंग पे चल रहा होता है। तो ये वापडा शेयरिंग पे अगर आपने चलाना है तो ये काफ़ी यूजफुल सिस्टम है और काफ़ी आपको जो है ना कास्ट इफेक्टिव पड़ेगा और इस वक्त मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं सब में अच्छा इन्वर्टर जो है वो यही है, IP65 है। IP65 बेसिकली इन्वर्टर ये होता है कि इस पे जो है वेदर क्लाइमेट और जो है फॉग वगैरह इस तरह नमी वगैरह असर नहीं करती। सर्किट स्पेशली कोटेड एक मटेरियल होता है जिसकी वजह से सर्किट की लाइफ ज़्यादा होती है। तो इस वक्त ये पोजीशन है, इस वक्त आपको शॉप का लोड भी दिखा देते हैं क्या क्या ये लोड है। ये इस वक्त शॉप पे एक एयर कंडीशन है 1.5 टन का DC इन्वर्टर है और ये सेवर्स वगैरह भी चल रहे हैं, ये इतना सेवर्स वगैरह हैं तो ये इस पे लोड चलेगा। दूसरा इसके अलावा वाटर डिस्पेंसर है और ऊपर डबल स्टोरी शॉप है तो ऊपर इसकी ऑफिस वगैरह है तो ये इस तरह लोड चलेगा। मज़ीद इसके बारे में किसी किस्म की भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में रेट वगैरह प्राइस वगैरह इंस्टॉलेशन के हवाले से पूछ सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो आपसे शेयर किया जाएगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैटर करती है, चैनल को मोनिटाइज होने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है कि ये 2,45,000 रुपये का हैदराबाद में इन्वर्टर है इस वक्त और प्लेट जो है वो 39 रुपीज़ बाय फेशियल जो है वो इस वक्त चल रही है और इसके अलावा वायर वगैरह का भी आपको रेट दिखा दिया है। बाकी लास्ट में बैटरी सेटअप है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो किस तरह लगाई गई है।
ये डायवो की जो है वो दो बैटरीज इस तरह लगाई गई हैं, ये ऑलरेडी पहले यूपीएस पे लगी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे टाल ट्यूबलर बैटरीज नहीं ली गई हैं, तो इसी बैटरीज को यूज़ किया गया है इसी सेटअप पे। तो ये इस तरह सेटअप एस्टेब्लिश हुआ है। मज़ीद इसके बारे में किसी किस्म की भी क्यूरी हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिए।